92.7 बिग एफएम पर आप सभी का स्वागत है आपके अपने चहेते शो अर्थ में, मेरे यानी सौरभ राज जैन के साथ। अर्थ में मैं आपके लिए लेकर आता हूँ हमारे आपके जीवन से जुड़ी ऐसी आम कहानियाँ जिनमें छिपी होती है एक बड़ी सी सीख। आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। जिम में वर्कआउट टूल्स की खटपट की आवाजों के बीच कुमार साहब जमकर पसीना बह रहे थे। तभी वहां सेंचुरी क्लब के प्रेसिडेंट डॉक्टर मेहता वर्कआउट करने पहुंच गए। कुमार साहब डॉक्टर मेहता के बड़े फैन थे। क्लब के प्रेसिडेंट के अलावा वो एक फेमस हार्ट सर्जन भी थे। उनकी आए दिन न्यूज़पेपर्स और मैगजीन में तस्वीरें छपती। कभी किसी सोशल कॉज में जुड़े नजर आते तो कभी किसी इशू के लिए आवाज उठाते। कुमार साहब का भी यही सपना था कि काश वो भी डॉक्टर मेहता की तरह किसी क्लब से जुड़ पाते। जागती आंखों में यही सपना लिए वो क्रंचेस वाली एक्सरसाइज में बिजी हो गए। जैसे तैसे अभी लगभग 21 के काउंट पर पहुंचने ही वाले थे कि डॉक्टर मेहता ने उन्हें आवाज लगा दी। अरे भाई कुमार, इधर आ जाइए, साइड वाली ट्रेडमिल खाली है। सेंचुरी क्लब के प्रेसिडेंट डॉक्टर मेहता बुला रहे थे तो भला कुमार साहब कैसे ना जाते। क्रंचेस छोड़कर वो तुरंत ट्रेडमिल पर जा पहुंचे। ट्रेडमिल पर वॉक करते हुए कुमार साहब को एक दो मिनट ही हुए होंगे कि डॉक्टर मेहता फिर बोल पड़े, कुमार वाइफ ने बताया आप सेंचुरी क्लब ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हैं। कुमार साहब समझ गए, मिसेज मेहता से श्रेया का अक्सर मिलना होता है। जरूर श्रेया ने ही मिसेज मेहता से सिफारिश की होगी। बस कुमार साहब ने तुरंत हाँ में सिर हिला दिया। ऑफ कोर्स डॉक्टर साहब, जब भी जरूरत हो बताइएगा। तो ठीक है, नेक्स्ट मंथ माउंट आबू में हमारा कैंप है। जनरली न्यू जॉइनर्स को हम पहले वॉलंटियर बनाते हैं, पर आपको डायरेक्ट कन्वेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देंगे, इज दैट ओके? कुमार साहब का क्या जवाब था? क्या वो सेलिब्रिटीज की देखा देखी वेलफेयर के काम से जुड़ने की बेकरारी दिखाकर कोई गलती कर बैठे? क्या मिस्टर कुमार सेंचुरी क्लब से बच पाएंगे? जानने के लिए सुनते रहिए अर्थ मेरे यानी सौरभ राज जैन के साथ सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं अर्थ मेरे यानी सौरभ राज जैन के साथ। कहानी में अब तक आपने सुना, जिम में सेंचुरी क्लब के प्रेसिडेंट डॉक्टर मेहता ने कुमार साहब को अपने वेलफेयर क्लब में एक बड़ा पद ऑफर किया और कुमार साहब तो यही चाहते थे। अब आगे, इधर कुमार साहब ने हाँ कहा और उधर डॉक्टर मेहता का अगला फरमान आ गया। कुमार साहब, आप इस वीकेंड एक बार माउंट आबू जाकर सारे इंतजाम चेक कराइए। डॉक्टर मेहता का आदेश सुनते ही कुमार साहब ख्वाबों की दुनिया से वापस जमीन पर आ गिरे। ये क्या, उन्हें क्या वॉलंटियर्स की तरह क्लब का काम करना पड़ेगा? उन्होंने ये सोचकर हामी भरी थी कि आए दिन पार्टी और सोशलाइजिंग जैसा कुछ होगा। भाई इवेंट्स और अवार्ड्स नाइट्स में जाएंगे तो लोग उन्हें भी कैप्चर करने दौड़े चले आएंगे। पर ये क्या, यहां तो डॉक्टर मेहता उन्हें अपने हार्ट चेकअप कैंप के अरेंजमेंट्स देखने के लिए माउंट आबू दौड़ा रहे हैं। बस पूरा माजरा समझ में आते ही उनका क्लब ज्वाइन करने का बुखार उतरने लगा। जिम से लौटने के बाद उनकी खीज सीधे निकली श्रेया पर। श्रेया, कहां फंसा दिया? डॉक्टर मेहता ने ऐसे पूछा कि मैं मना भी नहीं कर पाया। श्रेया ने कुमार साहब को समझाते हुए उस कैंप की अहमियत बताने शुरू कर दी। रजत, उनके क्लब का ये सबसे स्पेशल इवेंट है। हर साल हार्ट चेकअप कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं और तुम्हें तो सिर्फ एक बार जाकर अरेंजमेंट्स देखने हैं। बस बस रहने दो, सैटरडेज को तुम अक्सर जाती हो ना अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों को पढ़ाने, हमारी फैमिली का वही कंट्रीब्यूशन बहुत है। अभी से साफ साफ बता रहा हूँ, मैं ऑफिस के काम में बहुत बिजी हूँ, मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। तो क्या वाकई कुमार साहब ने माउंट आबू ना जाकर श्रेया की उम्मीदों पर पानी फेर दिया और इस वजह से कहीं मिसेस कुमार के सामने सोशल सर्कल में एम्बैरेसिंग सिचुएशन तो नहीं आ गई? ये मैं आपको बताऊंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप सुनिए ये सुरीला गाना मेरे यानी सौरभ राज जैन के साथ आपके अपने चहीते शो अर्थ में।
सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं अर्थ मेरे यानी सौरभ राज जैन के साथ। कहानी में अब तक आपने सुना श्रेया की कोशिशों से कुमार साहब को सेंचुरी क्लब में एंट्री मिल रही थी, पर कुमार साहब ऑफिस के काम का बहाना बताकर माउंट आबू में होने वाले क्लब के चैरिटेबल इवेंट से पल्ला झाड़ने की तैयारी कर रहे थे। अब आगे फ्राइडे तक कुमार साहब की माउंट आबू जाने की कोई तैयारी नहीं थी। श्रेया बीच बीच में उन्हें कई बार मोटिवेट करती रही, रजत साल भर में सिर्फ एक दो वीकेंड सैक्रिफाइस करने की बात है, क्या हम इतना भी नहीं कर सकते? मान जाओ ना प्लीज मेरे लिए। हालांकि इस वीकेंड उन्हें अपनी गाड़ी सर्विसिंग के लिए देनी थी, एक क्लोज फ्रेंड का बर्थडे भी था और बाकी कई छोटे मोटे कामों की लिस्ट तैयार रखी थी, लेकिन वो श्रेया को मना कैसे कर सकते थे। मजबूर होकर कुमार साहब माउंट आबू चले गए, लेकिन माउंट आबू पहुंचकर कुमार साहब ने ऐसी सिचुएशन फेस की जिसके बाद लाइफ के प्रति उनका नजरिया ही बदल गया। जीवन की इस राह पर कुमार साहब के साथ आखिर हुआ क्या, ये मैं आपको बताऊंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक आप सुनिए ये खूबसूरत गाना। मेरे यानी सौरभ राज जैन के साथ आप सुन रहे हैं अर्थ, ओनली ऑन 92.7 बिग एफएम। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं अर्थ मेरे यानी सौरभ राज जैन के साथ। कहानी में अब तक आपने सुना कुमार साहब एक फेमस क्लब के इंपॉर्टेंट और डेजिग्नेटेड मेंबर बन चुके थे, लेकिन बदले में वॉलंटियर की तरह काम करना उन्हें अखर रहा था। क्लब के कैंप के लिए उन्हें माउंट आबू जाना पड़ा। अब आगे कुमार साहब की कार माउंट आबू के सबसे ब्यूटीफुल होटल के पोर्च में जाकर खड़ी हो गई। उतरे तो सामने होटल का मैनेजर और वहां के दो सबसे सीनियर डॉक्टर खड़े थे। सबने एक एक कर उनके हाथ में बुके थमा दिया। वेलकम वेलकम मिस्टर कुमार, आपके क्लब ने अपने प्रेस्टीजियस फ्री हार्ट कैंप के लिए माउंट आबू को चुना, उसके लिए मेनी थैंक्स। बस यहां से कुमार साहब का सीना कुछ ऐसा चौड़ा होना शुरू हुआ मानो डॉक्टर मेहता नहीं वो खुद ये कैंप ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं। दोनों डॉक्टर्स जब कुमार साहब को नजदीक के एक हॉस्पिटल की विजिट पर ले गए तो वहां मौजूद गरीब हार्ट पेशेंट्स का कुमार साहब को बार बार धन्यवाद कहना उन्हें गर्व से भरता गया। कहां काम करने के डर से क्लब की पोस्ट ठुकराने की सोच रहे थे और यहां लोगों के चेहरे पर मुफ्त इलाज मिलने की खुशी उन्हें एक अनजाने सेटिस्फैक्शन से भरती जा रही थी। सारे इंतजामों का जायजा लेने के बाद जब कुमार साहब वापस घर लौटे तो उनके चेहरे पर ऐसा सुकून तैर रहा था जैसे जन्नत की सैर करके वापस आए हों। अगर कुछ कमी रह गई होगी तो वो उनके पापा ने पूरी कर दी। कुमार बहुत अच्छा किया तुमने, माउंट आबू का हार्ट चेकअप कैंप फाइनल करके पिछले साल बैंगलोर कैंप में मेरे एक दोस्त का इलाज मुफ्त हुआ था, डॉक्टर मेहता ने ही किया था। बहुत थैंक्स बोल रहा था डॉक्टर मेहता को और तुम्हें भी बधाई दे रहा था कि तुमने इस क्लब को ज्वाइन किया। पापा की बात सुनकर कुमार साहब गदगद हो गए। उन्हें लगा अगर साल 6 महीने में किसी वीकेंड पर अपने पर्सनल काम छोड़कर दूसरों के लिए कुछ करने से इतनी खुशी मिलती है तो वो अब से जरूर वेलफेयर का ऐसा काम करेंगे। दोस्तों दूसरों की भलाई करने के काम में अक्सर यही होता है। कुमार साहब की तरह लोग सोशल वेलफेयर का काम तो करना चाहते हैं लेकिन कभी वक्त की कमी तो कभी पैसों की दिक्कत हमेशा बहाना बन जाती है। कुमार साहब के साथ भी वही हो रहा था, पर जब उन्होंने अपने थोड़े से सोशल कॉन्ट्रीब्यूशन के बाद लोगों के चेहरे पर आई मुस्कान देखी तब उन्हें यह एहसास हुआ कि दूसरों को खुशियां देने से मिलने वाली सेटिस्फैक्शन अपनी छोटी छोटी खुशियों और आराम से कहीं ज्यादा मायने रखती है। आज के लिए बस इतना ही, मैं सौरभ राज जैन जल्द ही आपके सामने आऊंगा जीवन को सही अर्थ देने वाली कुछ और प्रेरक कहानियां लेकर। आप बस सुनते रहिए अर्थ 92.7 बिग एफएम पर।